मांसपेशियां ग्रोइन चोट आदि का दर्द है, इस संबंध में उनको परामर्श दिया जाएगा। क्या भाई है, अस्थि रोग के ऑपरेशन और विकार है, कंधा का जाम होना है, हम बिना किसी दवाई के भी इलाज कर सकते हैं, इस संबंध में ये कैंप रखे गए हैं। और ये चीज क्षेत्र में ये प्रचार प्रसार हो तो मीडिया एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिसके द्वारा हम ये सारा काम पर प्रचार प्रसार हो सकता है। तो इस और आप भी थोड़ा इस संबंध में क्या कर रहे हैं, टैबलेट्स में डाल देते हैं आपका दूसरा इस्तेमाल होती है, ये जो आपने कहा कि इसमें उनका टैबलेट हाँ ये ऑटोजली एक ये एक फिजियोथेरेपी कैंप से पूरे राजस्थान में मेगा कैंप लगाया जा रहा है, उसके प्रति जन जागरण यानी जनता में ये बात पहुँचे कि बिना दवाई के भी कई बीमारियों का इलाज हो सकता है, उन इलाजों के उन बीमारियों के इलाज के संबंध में कैंप लगाए जा रहे हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और CSC वगैरह में लगेगा कैंप्स, वहाँ पर ये सेवाएं दी जाएगी जो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य सरकार की तरफ से दी जा रही है। एक कैंप्स दिनांक 25/4/17 से 27/4/17 तक 3 दिन लगेगा और तीनों दिन वो फिजियोथेरेपिस्ट या रिहेबिलिटेशन वर्कर वहाँ रहेगा और वो इस बीमारी के संबंध में समझाइश करेंगे, बताएंगे और उनके बारे में एक्सरसाइज वगैरह जैसा भी जो है जिसे बीमारी है उस हिसाब से उसका इलाज उसको बताएंगे, परामर्श देंगे जिससे उनको फ़ायदा मिले। मेर डिस्ट्रिक्ट में एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बाड़मेर और उसके बाद में CSC है जिसमें बायतू CSC कल्याणपुर CSC शंद्री और CSC शिव CSC चौहटन CSC समदड़ी और CSC शिवाना, ये 8 जगह कैंप लगाया जाएगा। इसमें ज़्यादातर पुराने जो बीमारी है जोड़ों की है बीमारी, गठिया बाई है, गर्दन में पीठ में है या कंधा जैसे जमा हुआ है, फ्रोजन सोल्जर है, इस तरीके की जो पुरानी बीमारियां हैं जिसमें दर्द होता है, जैसे बुढ़ापे की बीमारी भी होती है जैसे पार्किंसोनिज्म है या जैसे किसी को चिकनगुनिया हो गया जोड़ों में भयंकर दर्द हो रहा है उसके बाद में है, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया और उसका इलाज हो रहा है और वो हिला नहीं पा रहा था उसका इलाज, इस तरीके से ऐसी कई बीमारियां हैं जिसका इलाज इन फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताया जाएगा। हम आम लोगों से यही है जिनके भी ऐसी बीमारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन कैंपों में आए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और ये यहाँ जा कर के अपना इलाज कराए और यहाँ से सीखे कुछ, क्योंकि ये बीमारी 3 दिन में तो ठीक होने वाली नहीं है लेकिन ये जैसे 1-2 महीने या जो भी वो बताएंगे उस हिसाब से अगर वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा।